डिजीज को मेन 6 ग्रुप में बांटा गया है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एरिडीमिया यानी कि हार्ट का रिदम में ना चलना, वल्वलर हार्ट डिजीज हार्ट के वल्व में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हार्ट का रुक जाना, और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज यानी कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो जाना। अब हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर का होना, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर बेसिकली 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। लेकिन इसके अलावा जब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अबव जाने लगता है तो उसको हम लोग डिफरेंट स्टेजेस में बांटा है, और वो डिफरेंट स्टेजेस है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस जो है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उससे बच करके रहना है। सिम्टम की बात